एवन पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं भुपिंदर सिंह लैके हाजिर हाँ करंट इशू। करंट इशू में अच्छ गल करांगे हरियाणा तो आ रही एक वड्डी खबर बारे। हरियाणा पुलिस ने 5 साल तो भगौड़े आ रहे एक बदमाश को काबू किया है। इस पूरे मामले से जानकारी देने लिए साढ़े नाल जुड़ चुके हैं विपिन शर्मा जी। जी विपिन जी, की है पूरा मामला? जी विपिन जी, की है पूरा मामला? जी कैथल के एसपी शशांक कुमार साहब ने एक प्रेस वार्ता करते खुलासा किया कि कल कैथल की सीआईए वन की जो टीम थी वो जलंधर गई हुई थी एक बदमाश का पीछा करते हुए। तो उनको पूरी पुख्ता जानकारी थी कि बदमाश की लोकेशन के बारे में उनको पूरा पता था। वो एक गाड़ी के अंदर सवार थे, बाजार के बीच में थे। जब उनको बदमाशों का पता लगा, पुलिस उनके पीछे उन्होंने गाड़ी भगाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनकी अगले टायर पे गोली मारी जिससे गाड़ी का टायर भ्रष्ट हो गया। और वहीं पे बदमाश गाड़ी से निकलकर एक शोरूम में जा घुसे। जब पुलिस ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया बीच बाजार में उनको दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इससे जलंधर में भी एक तरह की सनसनी फैल गई क्योंकि ना सीआईए वन की जो टीम थी सभी जो पुलिस वाले थे यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि फायरिंग क्यों हुई है, कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तो बाद में जब जलंधर पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने वहां पे लोगों को समझाया कि हरियाणा की पुलिस है और जो यहाँ इनके आगे बदमाश थे जो फरार थे उनको पकड़ने आई थी। तो मामला सुलझा और दोनों बदमाशों को लेकर पुलिस कैथल आ गई। अभी उन्होंने मीडिया के सामने दोनों बदमाशों को पेश किया। जी गिरफ्तार किए गए बदमाशों को कोई असला वगैरह भी मिला है? जी इसकी उनके पास उस समय मौके पर शायद कोई असला हो उसके बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। जी लेकिन मैं बता सकता हूँ कि जलंधर के भीड़ वाले बाजार से बदमाशों को उठाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है बिना किसी नुकसान के। पर ये बदमाश जो था 1 लाख का, इसमें अजय कुमार है जो 1 लाख का इनामी बदमाश था। पिछले 5 साल से जंपर था ये, घोड़ा था ये। तो पुलिस इसको बड़ी कामयाबी मान रही है। जी इस मामले पे जांच अधिकारियों का की कहना है? जांच अधिकारी कहना कि आज हम इसको अदालत में पेश करके इसे रिमांड लेंगे। ये कोई बहुत बड़ा गैंग भी हो सकता है और इसके बाकी गुर्गों को भी पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ये रिमांड के बाद ही बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी सब बातें इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसके बारे में बाद में खुलासा किया जाएगा। जी विपिन जी, इस पूरे मामले से जानकारी देने लिए तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट से ना, हाई कोर्ट से पेरोल पे आए हुए थे जी, जो अजय कुमार हैं जो हाई कोर्ट से पेरोल पर आया था। हाँ जी, एक सेकंड, उनकी तरफ से फायर किया गया था? उनकी तरफ से कोई फायर किया गया था? उन्होंने हमारी गाड़ी पर गाड़ी मारने की कोशिश की, गाड़ी मारी नहीं। आपने गोली मारी टायर पे उनके? मैंने गोली टायर अपनी सेफ्टी के लिए, जब अपने मुलाजमों के बचाव के लिए। कितने फायर किए सर? एक फायर टायर में गोली। कल हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई थी कि हमारा 1 लाख का जो रिवॉर्डी क्रिमिनल था अजय, यहाँ से काफ़ी अभियुक्तों में वांटेड है और 302 में सज़ा काट रहा है कुरुक्षेत्र के मुकदमे में। 2016-17 में इसने लास्ट पेरोल जंप किया था, लास्ट 4-5 साल से ये फरार चल रहा था। तो हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आई कि जालंधर में है, छिपा हुआ है। इनके पास गाड़ी के डिटेल्स आ गए कि हमारे पास क्या गाड़ी है और गाड़ी पे नंबर, जो नंबर लगा हुआ था गाड़ी के डिटेल्स आ गए। तो यहाँ से 9-10 बंदों की टीम रवाना की गई थी। CIA वन इंस्पेक्टर अनूप हैं, उनके देख रेख में, उनके चार्ज में टीम रवाना की गई। और जो CIA कैथल टीम, कैथल पुलिस की जो साइबर पुलिस साइबर सेल है, तो उन्होंने उसको कुछ टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह पे लगा के हमने उसको ट्रैक किया और इसको जालंधर में सिटी एरिया में ये जब ये साइट कर दिया गया तो ये भागने की कोशिश की गई। तब मौके पे सूझबूझ दिखाते हुए उसके गाड़ियों में टायर को गोली मार के टायर पंक्चर कर दिया जिससे वो रुक गए और फिर आसपास के दुकानों में घुस गए। वहाँ पे फिर बड़ी अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारे जो स्टाफ है अपनी सुरक्षा को का ध्यान न रखते हुए, उनके पास वेपन भी हो सकते थे, बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती थी, तो उसको मौके पे 1-to-1 फाइट करके वो मौके पे काबू किया दोनों को और वहाँ से गिरफ्तार करके यहाँ पे लेते हैं। इन पर कई अपराध दर्ज हैं, कुछ में सजायुक्त है, कुछ अंडर ट्रायल हैं। 302 के मुकदमे दर्ज हैं, आर्म्स एक्ट के पर्चे दर्ज हैं, इन पे 307 के मुकदमे दर्ज हैं। अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, ऑल ओवर हरियाणा काफ़ी सारे मुकदमे इन पे दर्ज हैं। डिटेल्स आपको प्रेस नोट में दे दिया जाएगा। और कुरुक्षेत्र के 224 नंबर मुकदमे हैं, उसमें ये कन्विक्शन हो रखी है लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की। उसके में ये पेरोल के दौरान बाहर आए थे और पेरोल जम करके ये फरार चल रहा था। कैथल में बेसिकली कैथल का निवासी है, पेरोल जंपर है, बेसिकली यहीं से पेरोल जंप करके भागा था। 2019 में
हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया था, तो अभी हमारे पास 2,01,00,000 की रिवार्ड है, तो उसमें से एक ही पकड़ा गया। सर नाम अजय, हाँ अकेला करता है कोई गिरोह के साथ भी इसके संपर्क में? नहीं, अभी जैसे अब बताया हमने कि इनके और भी एकम्प्लिसेस हैं और कल हमने गिरफ्तार किया है, अभी रिमांड की रिक्वेस्ट करेंगे। और जब ये भाग जितने ड्यूरेशन में ये फरार चल रहा था उसमें किस किस लोगों ने इनको रुकने में सहायता दी, किसने आर्थिक मदद की, किसने क्या की, वो सब चीज़ों पर गहनता से छानबीन की जाएगी और सबको अकॉर्डिंग टू द लॉ उनपे उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। तो दूसरा साथी इसका उसने बना दी इसको? हाँ बिल्कुल, हमारी जो इनपुट थी वो बहुत ही सटीक और बहुत ही पिन पॉइंटेड इनपुट थी, तो उसको भी मौके से गिरफ्तार किया है। और इनका आपस में क्या और क्या मिली भगत थी और क्या क्या रोल थे इनके, इन्होंने पीछे रहते हुए कितने अपराध किए हैं, क्या क्या किया है, वो सब सारी चीज़ें डिटेल्स पता करने के लिए, और इनके पास आर्म्स हैं क्या हैं क्या नहीं है, तो वो सब सारी चीज़ें भी हम नहीं, फायरिंग पे कोई इंजरी नहीं हुई, फायर एक राउंड फायर हुआ था और वो जैसा बताया मैंने कि उसके गाड़ी को जो गाड़ी से फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी को रोकने के लिए मौके से, क्योंकि एक दो बार हमारे बीच में भी आमना सामना हुआ था, ये फरार होकर निकल गया था, काफ़ी शातिर अपराधी थे, तो इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरती, टीम हमारी बड़ी थी, 2-3 गाड़ियाँ थी हमारे पास और इसको मौके पर हमने काबू कर लिया। पंजाब पुलिस की भी सहयोग लिया गया? पीछे लिया गया था पंजाब पुलिस से सहयोग, हम काफ़ी दिन से इसे ट्रैक कर रहे थे, कई बार पंजाब में आया, कभी पंजाब में था, कभी पंजाब से बाहर निकला, तो हर बार पंजाब पुलिस से हम सहयोग लेते रहते हैं। स्पेसिफिक इंसिडेंट पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट पंजाब पुलिस से हमारा काफ़ी सहयोग रहता है, यहाँ पर पटियाला पुलिस या जालंधर पुलिस यहाँ पर भी आती है तो उन्हें हम सहयोग करते हैं। और हम भी गए जब मौके पर घटना हुई, फायरिंग इंसिडेंट्स हुआ, काफ़ी हंगामा हो गया, तो पंजाब पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया हमारा और वहाँ पर पब्लिक में काफ़ी ह्यूमन क्राइम मच गया था कि बीच बाज़ार में बिल्कुल दिन दहाड़े फायरिंग हो गई थी, तो सबको शांत किया और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके अरेस्ट करके हम यहाँ पर लाए। तो पंजाब पुलिस का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव समय पर काफ़ी अच्छा सहयोग किया हमारा। नहीं, ऐसी कुछ नहीं है बात है, जो बताना चाह रहा था वो मैं आपको ऑफिशियली बता दिया, बाकी सब आप उसको रूमर समझें, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है। इंटरस्टेट पुलिस कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर मीट भी होते रहते हैं, ऊपर लेवल के ऑफिसर्स भी मीट होते रहते हैं। एक्चुअली चूँकि ये रेड अनप्लान्ड था और कुछ स्टाफ सिविल में थे तो आसपास के लोग समझ नहीं पाए कि पुलिस के हैं कि कॉमन लोग हैं, तो ये कन्फ्यूज़न थोड़ा रहा, तो कन्फ्यूज़न दूर होते हैं, कोई सहयोग की कोई बात नहीं, CIA की टीम जैसे ऑपरेट करती है उनके भी CIA टीम्स ऑपरेट करती है, तो एक बार जब क्लैरिटी आ गई तो काफ़ी कोऑपरेशन रहा और काफ़ी जल्द ही मुलजिम को रिलीज कर दिया, हमारे स्टाफ रिलीव हो गए, कल शाम तक वापस आ गए। रिमांड दिया? अभी पेश करने जा रहे हैं, रिमांड जैसा होगा आपको बता देंगे, प्रेस नोट में डिटेल्स आ जाएंगे कितने दिन का रिमांड दिया। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लें, क्योंकि इनके जो कंप्लीसेज हैं उनका भी पता लगाना है और इन जो जो अपराध जितने दिन फरार रहे उसमें उस दौरान उन्होंने क्या क्या अपराध किए हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या अपराध किए हैं, कौन कौन कंप्लीसेज हैं, क्या क्या वेपन्स इनके पास हैं, वो सारी चीज़ों का पता लगाया जाए। सो ये सी पूरा मामला जिथे कि हरियाणा पुलिस वालों 5 साल तो भगौड़े आ रहे व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारियों ने दसिया कि अजय नाम के व्यक्ति उत्ते 1,00,000 का इनाम सी अते यह व्यक्ति 5 साल तो भगौड़ा सी, जिसन पुलिस ने बड़ी ही होशियारी के नाल अज जलंधर विखे काबू कर लिया। जांच अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस मामले की कार्रवाई में होर भी वड्डे खुलासे होने की उम्मीद है। सो ये हुण तक की नवी अपडेट, नवीं ते ताज़ा खबरां देखने दे लई जुड़े रहो एवन पंजाबी दे नाल। मैं अपने ये मोढ़ियां ते गोढ़ियां तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैनू फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इसनों इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने, ये 125 बीमारियां तक दे इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। यूज़ करो,
ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।